रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। अब सुनो काम की बात, 24 तारीख से हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं सारे पीजी वालों को, खाने वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को, लाइब्रेरी वालों को और कोचिंग वालों को। 24 की शाम से सभी लोगों को, सबके सब बंद हो जाएंगे, सब लोग अपने टिकट करा लो, अपने घर चले जाओ, ठीक है? पूरा 2 तारीख को वापिस आइए। मुखर्जी नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एसीपी मॉडल टाउन नजर आ रहे हैं और वो पीजी में रहने वाले छात्रों से कह रहे हैं कि 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक पीजी बंद रखना। हालांकि दिल्ली पुलिस इस वीडियो को फेक बता रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मैसेज फैला रहे कई ट्विटर अकाउंट को बंद करने का आग्रह किया है। 24 तारीख से हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं सारे पीजी वालों को, खाने वालों को, रेस्टोरेंट्स वालों को, लाइब्रेरी वालों को और कोचिंग वालों को। 24 की शाम से सभी लोगों को, सबके सब बंद हो जाएंगे, सब लोग अपने टिकट करा लो, अपने घर चले जाओ, ठीक है? पूरा 2 तारीख को वापस आइए। आपका विंटर ब्रेक समझ लो इसे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो काफी नाजुक हो रखी है। कोई भी अगर गैदरिंग, धारा 144 लग रही है पूरी दिल्ली में, कोई भी गैदरिंग, कोई भी न्यूसेंस होगी ना ऐसी कंडीशन में, अपना कैरियर खराब कर लोगे बेटा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कैरियर मत खराब होने देना अपना। यस सर। अपने घर जाओ, 24 से 24 की शाम को ही निकल जाओ यहां से और 2 तारीख को वापस आना। हम सब कुछ बंद करा रहे हैं। 24 आ रही है, यही तो 24 दिसंबर आ रही है और 2 जनवरी को वापस है। सारे सब कुछ बंद करा रहे हैं बेटा। समझ में आया? ओके सर। यस सर। न्यूसेंस नहीं करेगा किसी भी तरह की, को प्रोटेस्ट प्रोसेशन में भाग नहीं लेगा। मैंने बता दिया धारा 144 बता क्या है, 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठे होने पे अपराध है। यस सर। क्यों अपना कैरियर खराब करना चाहते हो और क्यों जेल जाना चाहते हो? वहीं इस मामले में मुखर्जी नगर में रह रहे छात्रों का क्या कहना है वो सुनिए। बच्चों में डायरेक्टली कोई सूचना नहीं है इसके प्रति। आई मीन जो CAAU जो आया इसके लिए तो इससे कुछ दूरी पर ही प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मुखर्जी नगर नेहरू विहार में ऐसा कुछ खास नहीं था आंदोलन के लिए खासकर, इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए एक्टिव हुआ है इधर क्षेत्र में भी। ऐसे कई ACP आए थे, उन्होंने इस तरह के डायरेक्शन दिए थे, कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए, एक तो वीडियो वायरल हुआ है उसके लिए भी लड़का सब अपना विचार विमर्श कर रहा है कि ऐसा कुछ जरूर मैटर होगा कि डायरेक्ट प्रशासन या डायरेक्ट खाली करने का आदेश दे दिया है, इसीलिए सब इंस्टीट्यूट अपना नोटिस लगा लिए बंद रहेगा। आप बताइए क्या इस तरह का जो नोटिस है दिल्ली पुलिस ने यहाँ कोई चस्पा किया या कोई इस तरह का डायरेक्शन कहीं आपने सुना हो कि ACP ने दिया हो या आपने देखा हो या आपने सिर्फ वीडियो देखा है? उनका वीडियो देखे हैं और क्लास में इन्फॉर्म किया गया था 25 से 2 तारीख तक बंद है, ये ऊपर से ऑर्डर आया हो हम लोग का। अच्छा, ये आपको किसने इन्फॉर्म किया था? टीचर। टीचर्स ने बताया था सारा। आप बताइए इस तरह की कोई बात आई है? हाँ, ये SHO मुखर्जी नगर का एक नोटिस आया, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर के 24 से लेके 2 तारीख तक पूरी मुखर्जी नगर की जितनी भी कोचिंग है सब क्लोज रहेंगे। अच्छा, तो ये जो ऑर्डर है ये आप लोग थे वहाँ, कहीं आपने देखा कि आप लोग वहाँ थे या सिर्फ वीडियो देखा कि आपने? नहीं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू मालूम पड़ा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है आज? हाँ, बंद है आज। आपके साथ भी ये सिचुएशन? हाँ, यही है। 24 से लेके 2 तक सभी को सूचित किया गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। नोटिफिकेशन पहले ही पूर्व ही दे दिया गया था, एक दिन पहले SHO द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की DCP विजयंता आर्य का कहना है कि ये वीडियो फर्जी है और इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि SHO के नाम का एक नोटिस वायरल किया गया है वो फर्जी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी PG को बंद करने की कोई हिदायत नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।